दुर्ग में सड़क सुरक्षा माह का सोमवार को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्टील सिटी सेव सिटी पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। यातायात विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह की तर्ज पर सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत यातायात संबंधित जानकारियां लोगों को जहां दी जाएगी, वहीं यातायात के प्रति सभी तरह के पालन करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। यातायात सुरक्षा माह के शुभारंभ अवसर पर जिला कलेक्टर, दुर्ग एसपी, साथ ही गणमान्य नागरिक यहां पर शामिल रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात लगे हुए स्टालों का अवलोकन मुख्य अतिथि ने किया। इसके साथ ही यातायात संबंधित जानकारियां लोगों को दी गई। साथ ही जागरूकता पूर्वक एक रैली विशेष रूप से निकाली गई। रैली का शुभारंभ जिला कलेक्टर व दुर्ग एसपी के द्वारा झंडी दिखाकर किया गया। सड़क सुरक्षा माह को लेकर इस तरह की जानकारी विभाग द्वारा दी गई है। राज्य शासन के निर्देश पे आज से 16 फरवरी तक ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है जिले में, जिसमें जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे वाहन चालक हैं, सभी के साथ में हमारी टीमें, ट्रैफिक की टीमें, आरटीओ की टीमें पहुंचेंगी और ट्रैफिक के नियमों के बारे में उनको जागरूक करेंगी। आप सब लोगों के माध्यम से, जिले के नागरिकों से हमारी अपील यही है कि जो सड़क सुरक्षा के संबंधित में जो नियम है वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, उनका पालन ज़रूर करें। कोई एक्सीडेंट विक्टिम अगर रोड पर मिलता है तो तुरंत से एम्बुलेंस के लिए उनकी व्यवस्था करें, और हमारा पूरा प्रयास है कि सड़कों पे जो एक अधोसंरचनात्मक समस्याएं रहती हैं उनको हम लगातार कोशिश करें कि उनको हम दूर करें। वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। इंदौर के मॉडल के तौर पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे इसमें, और उसमें भी आप सब लोग बहुत बड़े स्टेक होल्डर रहेंगे, तो मीडिया और जो हमारे आम नागरिक हैं, स्वच्छता शहर में सभी लोग हम मिलकर के उस पर कार्य शुरू करेंगे, और जब बात होगी तो आप सब लोगों के साथ में मिलकर बात करेंगे। विल रिव्यू इट, जहाँ पे भी समस्याएं हैं वो आज भी चर्चा हुई है, रोड पे जो एनिमल्स की वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह की संभावनाएं होती हैं, तो जो संबंधित नगरीय निकाय हैं उनके साथ चर्चा करके और जो पशुपालक हैं उनके साथ चर्चा करके इसका समीक्षा इसमें हुई है राइस मिलर्स के साथ में, और उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो कस्टम मिलिंग पॉलिसी है उसके तहत समय सीमा के अंदर उठाव किया जाना है, उन्होंने अश्योर किया है। अदरवाइज कस्टम मिलिंग पॉलिसी के तहत शासन के निर्देश हैं कि अगर उठाव में प्रगति नहीं आती तो कार्रवाई। आज यहाँ दुर्ग में हमारे राज्य शासन के आदेश पर ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ का शुरुआत किया गया है, 15 जनवरी से जो एक महीना लगातार चलेगा। इस मंथ में सभी स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके और विभिन्न जगहों पर, गांव में जाके हमारी ट्रैफिक्स की, आरटीओस की और विभिन्न पुलिस की टीमें जाकर लोगों को, बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में आगाह करेंगे, किस प्रकार से वाहन चलाने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा। और साथ ही ट्रैफिक की जो हमारी समस्याएँ हैं तरह तरह की, जैसे किसी जगह पर सड़क का निर्माण होना है या पुल पुलिया का निर्माण है, उसके बारे में भी हम बैठक ले कर विभिन्न विभागों से चर्चा करेंगे, और दुर्ग जिले का ट्रैफिक सुव्यवस्थित हो, कम से कम एक्सीडेंट हो और आसानी से लोग सड़कों पर चल सकें, उसकी हमारा प्रयास रहेगा। सर, इसमें तपन सरकार सरेंडर किया कि पकड़ा है? ये अभी नहीं, सरेंडर वेंडर नहीं किया कोई भी, बट ये अभी क्या नाम है, ट्रैफिक के बारे में इसमें पूछना ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात संबंधित जानकारियाँ लोगों को दी जाएगी, साथ ही जागरूकता करने के लिए विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।